हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 60 साल के हो चुके हैं। इस दिन जहां मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास ओकओवर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ केक काटा, तो वहीं इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान शिविर में 80 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आईजीएमसी से डॉक्टर की टीम इस रक्तदान शिविर का संचालन कर रही है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष छत्र सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिवस के मौके पर एनएसयूआई कार्यकर्ता द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसे आपातकालीन स्थिति में उनकी आपूर्ति के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आयोजन से एकत्रित रक्त को प्रयोग में लाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम छत्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई। आज एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जन्मदिवस पर रिज मैदान पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिससे जो आने वाला ब्लड है वो किसी पेशेंट के काम आए, किसी के जीवन देने के काम आए, नेक काम करने के लिए वो कर रहे हैं। सर, फिलहाल हमारा जो टारगेट है कि भाई जितना लेंगे, हमारा 80 से 100 का टारगेट है आईजीएमसी।